चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पंजाब में फिर शुरू हुआ किसान आंदोलन। एमएसपी रेट को लेकर सरकार से किसानों ने रखी मांग। 51 बोगी गाड़ियों को किया गया है रद्द। किसानों के लिए आई है खुशखबरी। 15वीं किस्त पीएम किसान का सरकार करने जा रहा जारी। किसानों को मिलेगा इसी हफ्ता का लास्ट दिन तक 2,000 रुपया। आज से ट्रेन के समय में हुआ है बदलाव। 70 मेल एक्सप्रेस और 121 लोकल व पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बढ़ी। यात्रियों का 90 मिनट तक बचेगा सफर में समय। जियो कंपनी का बड़ा ऐलान। पूरे एक महीने के लिए जियो का वाईफाई एकदम मिलेगा फ्री। बस आपको लगाना होगा ट्रायल पैक। इसके लिए आपको नजदीकी जियो मिनी स्टोर में जाकर कराना होगा ट्रायल रजिस्ट्रेशन। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर मिलेगा 24,000 रुपये में आईफोन 14। 34,000 रुपये में ले सकेंगे आईफोन 15। 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है मेगा सेल। मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान। किसकी बनेगी सरकार, सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। बताया गया है कि चुनाव में 42% वोट मिल सकता है बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को मिल सकता है 43.8% वोट। 2000 के नोट बदलने के लिए बढ़ सकती है डेडलाइन। आरबीआई अक्टूबर के आखिरी महीना तक बढ़ा सकता है। 30 सितंबर के समय जारी होगा नया नियम। न्यूयॉर्क शहर में बाढ़। गवर्नर ने आपातकाल की है घोषणा। मूसलाधार बारिश से सब सर्वे, सड़क, बेसमेंट सभी चीजें हो गई है जाम। एनडीआरएफ टीम हो गई है तैनात। झारखंड में पारा टीचर के लिए अच्छी खबर। जैक ने जारी किया है आकलन परीक्षा का रिजल्ट। लगभग 79% शिक्षक हो गए हैं पास। पितृपक्ष मेला को लेकर दूसरे दिन 1,00,000 श्रद्धालुओं ने किया है पिंडदान। पिंडदानी और पंडो के रूप में सुरक्षा कर्मी हुए हैं तैनात। 3 माह के बाद पीएम मोदी का तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह होगा कल। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर रोकने की मांग पर याचिका हो गई है खारिज। कोर्ट ने कहा है सर्वे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है, हम दखल नहीं दे सकते। नेपाल में 4,000 करोड़ रुपया का निवेश करेगा भारत। 5 साल में बनेगा रक्सौल काठमांडू रेल मार्ग। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति ने दिया है मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 33% महिला आरक्षण पर बना दिया है कानून। वर्ल्ड कप होगा रद्द। इंग्लैंड न्यूजीलैंड खिलाड़ियों पर चलेंगे बम बारूद। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी जान से मारने की धमकी। खालिस्तानियों ने किया है बड़ा ऐलान, दिया है जान से मारने की धमकी। शेयर मार्केट में लौटी है रौनक। सेंसेक्स 300 अंक उछला। लोगों को एक दिन में 2,50,000 करोड़ रुपया का हुआ है प्रॉफिट। महंगाई की बड़ी मार। राजस्थान में 8-8 घंटे बंद रह रहा पेट्रोल पंप। अब फिर से मालिक करने जा रहे हैं पेट्रोल पंप के मालिक हड़ताल। पंजाब में किसान आंदोलन का दिख रहा है असर। यूपी में भी इसका दिखा असर। 24 से ज्यादा ट्रेन हो गई है रद्द। यात्री बेहाल। जानकारी ले सकेंगे 139 में कॉल करके। व्हाट्सएप जल्द ला रहा है एक नया अपडेट। बड़ा अपडेट में अब करीब 2 हफ्ते तक रख सकेंगे स्टेटस। यूपी के योगी सरकार का बड़ा ऐलान। एसटीएससी छात्रों को बड़ा तोहफा। इसी वर्ष से मिलेगी बढ़ाकर स्कॉलरशिप। सरकार ने दे दिया है 35,000 करोड़ रुपया का मंजूरी। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से महिलाओं को बड़ा तोहफा। महिलाओं को फ्री मिलेगा मकान और दुकान। सरकार ने कच्ची मिट्टी घर वाले महिलाओं को आज दिया है बड़ी सौगात। पाकिस्तान में ईद उल मिलाद के मौके पर मस्जिद के बाहर हुआ है बड़ा रैली। सुसाइड बॉम्ब फिर से हुआ है ब्लास्ट। हमलावर ने पुलिस की गाड़ी में बगल में रखा था,
खुद को उड़ाया, 52 लोगों का हो गया है मृत्यु। यूपी के 57 जिलों में स्थापित होंगे अत्याधुनिक सुविधा यंत्र, मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय का करेंगे उद्घाटन, 12वीं तक का होगा मुफ्त में पढ़ाई। अमेरिका सरकार के पास शटडाउन से बचाने के लिए 48 घंटे से भी कम है समय, मचेगा राजनीतिक उथल पुथल। किसान के बेटे का कमाल, अंबाला के सरबजोत ने सोना पर साधा निशाना, टीम इंडिया इवेंट चीन को हराया, एशियन गेम में शामिल हुआ, बना विजेता। पोस्को में सहमति से संबंध बनाने की उम्र 18 से कम नहीं हो सकता, विधि आयोग ने सौंपा है सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट। 2029 में एक साथ होंगे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, विधि आयोग से आई है ये बड़ी खबर। 4000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी बायजू, रिक्रूटमेंट के तहत छटनी, इससे पहले 1000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है कंपनी से बाहर। भूकंप आने से पहले स्मार्टफोन में मिलेगा अलर्ट, अर्थवेव अलर्ट सिस्टम भारत में रोल आउट करेगा गूगल। 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल कार्ड का विदेश में इस्तेमाल होगा महंगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विदेश में 7 लाख से ज्यादा खर्च करने पर देना होगा 20% टैक्स। iPhone 15 Pro और 15 Pro Max में आ रही है ओवर हीटिंग की कमी, यूजर ने कहा है डिवाइस इस्तेमाल और चार्ज करते समय हो रहा है बहुत ही ज्यादा गर्म। सोना चांदी खरीदने का ये है सही समय, 58,000 के नीचे आया सोना, चांदी भी 70,000 के नीचे आई, आने वाले दिनों में आ सकती है और गिरावट। हुंडई किया ने अमेरिका में 34 लाख कार वापस बुलाई, ब्रेक फ्यूज में खराबी से आग लग सकती है, गाड़ियों को बाहर पार्क करने का लोगों को दिया गया है सलाह। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट, सेंसेक्स 610 अंक गिरकर 65,508 पर बंद, निफ्टी भी 192 अंक फिसला, टेक महिंद्रा का शेयर 4% से ज्यादा टूटा, निवेशकों का डूबा 2 लाख करोड़ रुपया। गेम खेलने वालों के लिए बुरी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर 1 अक्टूबर से लगेगा 28% जीएसटी, सभी राज्य को 30 सितंबर तक जीएसटी संशोधन विधेयक 2023 पास कराने का आ गया है आदेश। सीआरपीएफ में निकली है अब तक का सबसे बड़ा भर्ती, 1,29,929 पदों के लिए निकाली गई है वैकेंसी, 10वीं पास कर सकेंगे आवेदन, इसके लिए crpfgov.in में जाकर सभी 10वीं पास कैंडिडेट कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म फिल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है ऐतिहासिक फैसला, खिलाड़ियों की मैच फीस में 50% कर दिया है सैलरी में बढ़ोतरी। बांका और नवादा में नहाने के दौरान डूबने से 7 बच्चे की मौत, डूबने वाले 3 बच्चियों एक ही परिवार की बताया गया। केजरीवाल के ऊपर फिर सीबीआई जांच का आदेश, बंगले की मरम्मत का मामला आया सामने, केजरीवाल ने किया स्वागत, बोले आकर चेक कर ले मेरा पूरा बैलेंस शीट। बाढ़ से फसल हुए नुकसान, पंजाब किसान फिर सरकार से हो गए हैं नाराज, किसान 30 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का कर रहे तैयारी, सरकार से मांग रहे मुआवजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 को बिलासपुर में साइंस कॉलेज मैदान में करेंगे परिवर्तन, शंखनाद करेंगे रैली। अमेरिका में 2 दिन बाद शटडाउन, खरबों का कर्ज नहीं चुका पा रहे बाइडेन, कर्मचारी करेंगे हड़ताल। 5G लॉन्चिंग के बाद अभी से भारत ने शुरू कर दिया है 6G लाने का काम, पीएम मोदी ने महत्वाकांक्षा से दुनिया को किया हैरान, दिया है सभी लोगों को खुशखबरी। फ्लिपकार्ट शुरू कर रहा है बिग बिलियन डे सेल, 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा बिग बिलियन डे सेल, 80% तक छूट पर ले सकेंगे मोबाइल टीवी लैपटॉप। नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, साल के अंत तक गड्ढा मुक्त हो जाएगा हमारा देश का सभी राजमार्ग, सरकार से किया है वादा, जनता को दिया है खुशखबरी।